पश्चिम बंगाल में शुक्रवार की रात को एक साथ चार हिंदू मंदिरों को तहस नहस किया गया। मंदिरों में रखी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। यह मंदिर जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी खोलई ग्राम में स्थित है। जिन मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया उनमें दो मंदिर काली माता के, एक शिव मंदिर और एक शनि मंदिर है। इन चारों मंदिरों में एक ही रात में हुआ हमला साफ तौर पर बताता है कि मंदिरों पर हमले पूरी तरह से प्लान करके किए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है उनके नाम है चौपाटी काली माता मंदिर, सतवेंदी शिव मंदिर, जंगली बाड़ी काली मंदिर और गोरेरारी शनि मंदिर। इन मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की जानकारी शनिवार की सुबह मिली, जिसके बाद पूरे इलाके में हिंदुओं का गुस्सा भड़क उठा। शनिवार को हिंदुओं ने मंदिरों पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने तमाम सड़कों, जिसमें नेशनल हाईवे 27 भी है, कई जगहों पर जाम लगा दिया। इस दौरान शालबारी और पलकटा के साथ ही कई जगहों पर ट्रेन की पटरियों को भी जाम कर दिया गया। वहीं कई रोड क्रॉसिंग भी ब्लॉक कर दी गई। इस मामले में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की नीतियों को लेकर हमला बोला है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।